हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासीपन में। बहुत ही खुशखबरी, बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। डीबीटी, जैसा कि आपको पता है, अभी जो डैशबोर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डीबीटी का, ये थोड़ा अपडेट हो गया है और इस तरह से दिख रहा है। पहले जो है दूसरा तरह से दिखता था। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वो बहुत ही बड़ा अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, किसान रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण में आप किसी भी तरह का सुधार इस नए डैशबोर्ड पर नहीं कर सकते थे। आप जैसे ही विवरण संपादित पे जाते थे तो आपको यहाँ पर विवरण संपादित किसान जो है मिलता था, लेकिन आप इस पर क्लिक करते थे तो क्लिक नहीं होता था। पहले वाले में क्या था, आप पर्सनल डिटेल्स सुधार कर सकते थे, आप अपना बैंक पासबुक सुधार कर सकते थे, आप अपना मोबाइल नंबर सुधार कर सकते थे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि आप सिर्फ अपना पासबुक ही सुधार कर सकते थे और अपना पर्सनल डिटेल सुधार नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और पासबुक ही सुधार कर सकते थे। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता था। सबसे पहले वाले में आपका ऑप्शन एक मिलता था मार्को से और दूसरा ओटीपी से। सबसे पहले वाले में ओटीपी से मिलता था, दूसरे वाले में आपका भी ओटीपी से मिलता था। लेकिन अभी जो नया बिग अपडेट आया है, ये कुछ दिन पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अभी इस पर देखा तो मेरी नज़र पड़ी, तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो है। और मैं आपको बताऊँगा कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर गलत हो गया है, बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया है, तो आप कैसे सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अच्छी खबर के लिए वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, नए मेहमान हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है, या आपका मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था वो कहीं खो गया, टूट गया, या फिर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, चलिए वजह चाहे जो जो भी हो, आप मोबाइल नंबर अपना चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। अगर आप अपना पासबुक नंबर गलत दिए थे, अकाउंट नंबर गलत दिए थे, आपसे आईएफएससी कोड गलत हो गया था, या आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट नंबर जो है चेंज हो जाए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे डीबीटी एग्रीकल्चर इस होम पेज पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर क्लिक कर डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है पासबुक यहाँ से आप अभी चेंज कर सकते हैं और अपना गांव चेंज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि आप रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण में अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको विवरण संपादित किसान पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है। तो मैं इसीलिए आपको ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी आपको साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि बैंक विवरण सुधार करने की सुविधा जल्द दे दी जाएगी। यानी अगर आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया है तो यहाँ से यानी रजिस्ट्रेशन वाले से आप सुधार नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ से भी आप करिएगा, बहुत जल्द सुविधा आपको ये 1-2 दिन, 3 दिन या जो भी टाइम लगे दे दी जाएगी। अगर बैंक अकाउंट आपको लगता है कि गलत है, तो आप वहाँ किसान सम्मान निधि योजना से सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उसका काम जो है बहुत फास्टली हो रहा है। और वहाँ पर अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है या किसी भी प्रकार से आपका आईएफएससी कोड गलत है, पैसा नहीं जा रहा है, इसके लिए वहां पर उन्होंने सुधार दे दिया। हालांकि वो रजिस्ट्रेशन में ही सुधार होएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, आप अगर चाह रहे हैं कि आप यहाँ से सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको दो तरह का सुविधा भी मिल रहा है, जो कि बैंक विवरण सुधार करने की सुविधा जल्द दी जाएगी ये अभी नहीं मिल रहा है, और दूसरा सुविधा जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है मोबाइल नंबर सुधार करने की सुविधा अभी उपलब्ध है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है, या मोबाइल नंबर खो गया है, या मोबाइल नंबर टूट गया है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो, तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहले देखा जाता था इस डैशबोर्ड पे, आपको मिलता था ओटीपी के द्वारा आप मोबाइल नंबर चेंज कर पाते थे। लेकिन होता क्या था, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अभी किसान सम्मान निधि योजना है या उससे पहले बीमा चला, तो वहां पर लोग क्या करते कि मोबाइल नंबर अपना डालकर ओटीपी वहां गिरा लेते थे, और उसके बाद जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल करके उसको उसके मोबाइल नंबर डाल के फिर उसको दे देते थे। अगर आप एक दुकानदार हैं तो मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ डीबीटी वालों ने ये सिक्योर अपडेट किया है, जिससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल यानी मिनिमम किसान है वही अपडेट इस चीज़ को कर पाएगा। यानी अभी जो आप अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, तो बिना बायो ऑथ के नहीं होगा। अगर आपके पास
बायोमेट्रिक सिस्टम यानी मॉर्फो है तो आप अपना मोबाइल नंबर सुधार कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने सामने CSC सहज केंद्र में चले जाइए या फिर किसी दुकान में चले जाइए जहां मॉर्फो की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल द्वारा भी आप लैपटॉप द्वारा भी कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको डेमोग्राफी बायो ओथ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ठीक खुल के उसी तरह से आ जाएगा जिस तरह से आपका पंजीकरण में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिवाइस नेम देख लेना है, चूज़ कर लेना है। यहाँ पर मंत्रा का मिल जाएगा, मॉर्फो का मिल जाएगा। अगर आपके पास मंत्रा का है तो मंत्रा सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास मॉर्फो का है तो मॉर्फो सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मेरे पास जो है मॉर्फो का है तो मैं मॉर्फो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका RD सर्विस नहीं है आपके सिस्टम में कंप्यूटर में इंस्टॉल, तो आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मंत्रा एंड मॉर्फो ड्राइवर एंड RD सर्विस यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार में लिखा हुआ नाम डालना है। तो ये सारा कुछ मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा बायो आर्थ का जो लाइट है वो जल जाएगा। मैं उस पर फिंगर रखूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा आगे क्या खुल के सामने आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डिवाइस, उसके बाद अपना आधार नंबर डाल दिया है, फिर आधार में लिखा हुआ नाम डाल दिया है। सिंपली स्टार्ट कैप्चर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारी मॉर्फो की लाइट जल जाती है हम उस पर फिंगर रखते हैं। देखिए इस तरह से कुछ आपके सामने अगर ग्रीन टिक लग के चला आता है तो आप समझिए आपका स्कैन जो है बायोमेट्रिक वो सक्सेसफुली हो चुका है। सिंपली आपको ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, यानी ऑथेंटिकेट इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा और आपको एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा मोबाइल नंबर सुधार हेतु, बैंक खाता संख्या सुधार हेतु। हालांकि बैंक खाता संख्या अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद में अगर जब भी ये उपलब्ध हो जाएगा तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर अपना बैंक अकाउंट नंबर सुधार सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है तो सिंपली मोबाइल नंबर सुधार पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अपना जो नया मोबाइल आप डालना चाहते हैं उस मोबाइल को डाल दीजिए। हो सकता है कि आपका मोबाइल पे एक OTP जाए और OTP मांगे या नहीं भी मांगे, लेकिन फिलहाल ये मेरा है और मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल सही है, इसलिए मैं मोबाइल नंबर को सुधार नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स कस्टमर का मेरे पास मोबाइल नंबर आएगा और उसका सुधारने की बारी आएगी तो मैं आपको बिल्कुल सुधार करके एक वीडियो दे दूँगा। अभी जो इसमें अपडेट यानी सुधार करने का जो व्यवस्था दी गई है वो केवल आपका बायोमेट्रिक आधार पर दिया गया, यानी बिना फिंगरप्रिंट के आप सुधार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये आपको थोड़ा अपडेट कर दिया जाए और यहाँ पर आपको OTP और बायो ऑथ दोनों से सुधार का ऑप्शन मिल जाए, या फिर OTP बायो ऑथ और आयरिस तीनों ऑप्शन से आपको सुधार करने का ऑप्शन मिल जाए। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और अगर आप मोबाइल नंबर सुधार करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप सुधार कर सकते हैं। डीजल अनुदान आज 15 तारीख को बंद होना था रात में, लेकिन सुबह 10 बजे तक 16 तारीख के सुबह 10 बजे तक ये जो चला है उसके बाद शायद इसका बंद हो गया है। हालांकि खबर आ रही है कि विभाग से आदेश आ गया है और इसका जो है डीजल अनुदान फिर से चालू किया जाएगा, लेकिन ये पक्की खबर नहीं है, इस पर विश्वास मत कीजिए। हालाँकि जैसे कुछ न्यू अपडेट आता है हम आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे का स्टेप भी आपको दिखा दे रहे हैं, हालांकि मुझे अभी चेंज नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम क्लिक करके देखें कि आखिर आगे आता है क्या। तो कुछ इस तरह से आपको आएगा जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ID नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। यहाँ पर मैंने इसको हाइड कर दिया है ताकि किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर ना हो। यहाँ पर आपका इंटर करेक्ट नेम रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दो ऑप्शन और आ रहे हैं, एडिट योर नेम। तो अगर आप अपना नाम एडिट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं एडिट करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप एडिट नाम भी, अगर नाम भी चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा नाम में गलत हो गया है या फिर सुधार करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एडिट नेम पर जाके नाम को एडिट भी कर सकते हैं। ये यहाँ दो बेनिफिट्स, दो बिग अपडेट आए डीबीटी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वीडियो और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते ऐसे चले जाते हो, तो आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस तरह से मोबाइल नंबर डालिए, सबमिट कीजिए। हो सकता है आगे आपका ओटीपी जाए मोबाइल में, जो नंबर आप यहां डाल रहे हैं, उसके बाद आप उस ओटीपी को यहां पर फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं जाता है तो समझ लीजिए कि आपका बायोमेट्रिक यानी ओनली फिंगरप्रिंट से ही हो जाता है, मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। और अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब इतना मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल्स में आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद एक समझदार व्यक्ति हो और आपको पता है कि आगे क्या करना है। जैसे जैसे लिखेगा वैसे फॉलो करना है, बाकी क्या स्टेप मैंने समझा दिया हूँ। अगर मुझे चेंज करना रहता मेरा नाम या फिर मेरा मोबाइल नंबर, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता। आप ये मत सोचना कि मैं आपको किसी भी तरह का गलत खबर दे रहा हूँ या फिर किसी भी तरह का मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही सटीक न्यूज़ लाता हूँ और सटीक चीज़ लाता हूँ, भी उसको वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जैसे ही कुछ और नया अपडेट आएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।